के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटी और लोग, हमारा बेटी और लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है, पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। ये जो है तो बोलो प्राण हराच्छे मानुष हाथरा से हारिए छे, तखन तो लोकेटिव एमपी एखनो एमपी, जो अपनार बालेश्वर एतगुलो मानुष मारा गेल, कोथाय अपनार मानविक दिक लोकेर दिक? अपनी तो मुख्यमंत्री नामे मिथ्या कथा बोलछेन, आरे मुख्यमंत्री जेभाबे लड़ाईटा करछे एका, आजकेर एटा भाबा उचित जे आपनी एकजन महिला होये एकजन महिला मुख्यमंत्रीर नामे मिथ्या कथा बोलछेन। बांगाली हिसाबे আপনার তো গর্ব হওয়া উচিত যে আপনি পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষিত এমপি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের এমপি ত্রিপুরায় গেলে সুরক্ষিত না, কিন্তু আপনি অন্য দলের এমপি হও কিন্তু সুরক্ষিত। আর আপনি যেটা মিথ্যা কথা বলছেন, ভোটের দিন, ভোটের দিনে ওখানে সিসি ফুটেজ ছিল, কে চুলের মুঠি ধরেছে, মিথ্যা কথা বলবেন না, কারণ আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনার মাঝখানে একজন ঈশ্বর আর আপনি আছেন, কিন্তু মাঝখানে এটা আছে। मंजूर में 11 जुलाई काउंटिंग के दिन एक तृणमूल का कैंडिडेट, मैं बोलना चाहती हूँ महिला है, टीएमसी का ही कैंडिडेट है, काउंटिंग के रूम के अंदर में जाके उसको मतलब इतना उसका अत्याचार किया, उन्होंने भी खुद मीना जाना, उन्होंने भी खुद एफआईआर किया डोमजूर से। आप देख रहे हैं कि वहां का कुछ वीडियो नहीं है, वीडियो वायरल नहीं हुआ, कोई वहां पे जाके ऐसा वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे तो गन लेकर सब काउंटिंग रूम में चला गया ना, सब गन लेके बॉम्ब लेके गया, महिला को सामने खड़ा करके उसको बंदूक देके सर पे बंदूक लगा के उसको नेकेट किया, उसका अत्याचार किया, तो उसका कोई जांच नहीं होगा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कालियागंज में पंचायत चुनाव के पहले एक महिला, एक दलित महिला, राजवंशी महिला को उसको अत्याचार करके उसको खून कर दिया, उसको खींचते खींचते पुलिस लेके जा रहे हैं, वो भी वीडियो आपके सामने आए हैं। ये वीडियो जब वायरल होता है तब हम लोग बात करेंगे। अभी कांग्रेस का, कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं,